मेरे पास कुछ टूटे हुए बाउल्स, बॉटल और कप थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको यूज करके इसका कुछ डीआईवाई किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे टूटे हुए ग्लास बॉटल्स मेरे पास कहाँ से आए। तो मैं जब घर शिफ्ट कर रही थी तो वो उसमें यह टूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ नया बनाकर और इसे से कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाए। सबसे पहले मैं टूटे हुए बॉटल का पीस यूज करके इससे कुछ डीआईवाई बना रही हूँ। बॉटल का जो टूटा हुआ पार्ट है वह बहुत शार्प है, तो सेफ्टी पर्पज के लिए आप अपने हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हैं। यह टूटे हुए पार्ट को कवर करने के लिए मैं मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ। आप मोल्डेड क्ले की जगह एमसील का भी यूज कर सकते हैं। मोल्डेड क्ले में दो कंपाउंड होते हैं, उन्हों कंपाउंड को हमें मिक्स करना है। जब तक यह पूरा ग्रे ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना होता है। तो क्ले अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब मैं थोड़ा सा पाउडर डस्ट कर रही हूँ और इस क्ले को रोल करते हुए पतला करूँगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं क्ले को हमें कुछ इस तरह रोल करना है और इसे अब हम फेविकॉल की हेल्प से बॉटल में स्टिक कर लेंगे। बॉटल का जो यह टूटा हुआ पार्ट है वह बहुत शार्प होगा, तो बहुत ही केयरफुली आप इस पे क्ले लगाइएगा। अगर आप क्ले नहीं लगाना चाहते हैं तो जो हॉट ग्लू गन होता है उससे भी आप इसे कवर कर सकते हैं। क्ले की हेल्प से जो बॉटल के कॉर्नर्स है टूटे हुए उसको मैंने कवर कर लिया है, और कवर करने के बाद यह कुछ ऐसा लग रहा है। इस पे अब मैं एक टूल की हेल्प से लाइंस वाले डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अगर आपके पास यह टूल नहीं है तो आप नाइफ की हेल्प भी ले सकते हैं और उसकी हेल्प से ऐसे क्ले में लाइंस वाले डिज़ाइन बना दें। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इस टूल की हेल्प से लाइन वाले डिज़ाइन इसलिए बनाई है ताकि क्ले हल्का सा प्रेस हो और बॉटल में अच्छी तरह स्टिक हो जाए। मैंने उंगलियों से इस पे प्रेशर नहीं दिया है क्योंकि इस पे प्रेशर देना थोड़ा रिस्की है, इसलिए बस हल्का सा क्ले लगाया था। और इस टूल की हेल्प से जब मैं इस पे लाइन वाली डिज़ाइन बनाऊंगी तो क्ले हल्का प्रेस होगा और बॉटल में अच्छी तरह स्टिक हो जाएगा। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर का ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ग्लिटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। क्ले गीला था इसलिए इस पे ग्लिटर ईजिली स्टिक हो जा रहा था। अगर आप क्ले ड्राई करके उस पे ग्लिटर लगाना चाहते हैं तो पहले आप फेविकॉल लगा लें, उसके बाद ग्लिटर उस पे लगाएं। तो सारे क्ले वाले पार्ट पे मैंने ग्लिटर लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा ग्लिटर ग्लास पे लग गया है उसे मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। आप इसे क्लीन करने के लिए किसी वेस्ट क्लोथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ा और मोल्डेड क्ले लिया है और मेरे पास यह बटरफ्लाई के टूल्स थे, कटर टूल। इसकी हेल्प से मैंने क्ले से बटरफ्लाई बना लिया है और बटरफ्लाई को भी मैंने ग्लिटर में अच्छी तरह लपेट लिया है। आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लिटर से यह थोड़ा डिफरेंट लुक देगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए और इसलिए मैंने ग्लिटर से इसे पूरा डेकोरेट किया है। इसका एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा, तो आप ग्लिटर से एक बार इसे ज़रूर डेकोरेट करें, आपको भी यह बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैंने मोल्डेड क्ले से कुछ फ्लावर्स और बटरफ्लाई बना लिए हैं और इस पे मैंने ग्लिटर लगा लिया है। अब हम इसे बॉटल पे स्टिक करेंगे, तो इसे स्टिक करने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। क्योंकि क्ले यहाँ गीला है इसलिए फेविकॉल की हेल्प से ईजली यह स्टिक हो जाएगा। अगर क्ले ड्राई हो जाता है तो आप ग्लूगन का यूज़ कर सकते हैं इसे स्टिक करने के लिए। सारे बटरफ्लाइज और फ्लावर्स लगाने के बाद इसे अब हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। क्ले कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसमें स्ट्रिंग वाली लाइट लगा रही हूँ, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। लाइट लगाने के बाद यह बॉटल और भी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे टूटे हुए बॉटल्स ने हमने सुंदर सा एक डेकोर पीस बनाकर रेडी कर लिया है। आप इसे एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको एज अ वास भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा यह पहला DIY मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम दूसरे DIY को बना लेते हैं। दूसरे DIY में मैं इस बाउल को डेकोरेट कर रही हूँ और यह बाउल कुछ इस तरह टूटा हुआ है, तो इस टूटे हुए पार्ट को कवर करने के लिए मैं ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ और इसे डेकोरेट करने के लिए मैं स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यह ग्लोसी स्टोन था तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं इसी स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी स्टोन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आपके पास अगर मोती है तो आप मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले ग्लू गन से कवर कर लूँगी। इसे कवर करने के लिए आप 2 से 3 लेयर ग्लू का लगाएं, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट कटा हुआ रह जाएगा तो उससे हमारी उंगलियाँ कट सकती हैं। इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप इसमें ग्लू गन से 2 या 3 लेयर ज़रूर लगाएं। 3 लेयर हॉट ग्लू लगाने के बाद मैं इस पर स्टोन स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले ग्लू को ड्राई होने दें और उसके बाद फिर से ग्लू लगा के स्टोन लगा सकते हैं।
मैं इस पे डायरेक्टली स्टोन लगा रही हूँ। आप चाहे तो ग्लू गन की जगह ट्रे का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने पहले DIY में यूज किया था। बाउल के जो क्रैक वाली साइड है वहाँ पे मैं 2 लेयर स्टोन का लगा रही हूँ, और बाउल के जो ऊपर वाले साइड्स है वहाँ पे भी मैं पूरे राउंड में स्टोन को डेकोरेट कर ले रही हूँ। आप जैसे चाहे बाउल को स्टोन से डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा DIY भी कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने इसे एक बना लिया है। आप भी यह ट्रिक फॉलो कर सकते हैं और किसी भी टूटे हुए बाउल को इस तरह डेकोरेट करके उसको एज अ कैंडल स्टैंड या फिर प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यह दूसरा DIY कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी तरह हम अपने तीसरे DIY को भी कम्प्लीट कर लेते हैं। तीसरे DIY में भी मैं बाउल को डेकोरेट कर रही हूँ, और यह बाउल कुछ इस तरह टूटा हुआ है। इसे दूसरे DIY की तरह ही मैं डेकोरेट करूँगी, तो इसको भी मैं स्टोन से डेकोरेट कर रही हूँ, और स्टोन को स्टिक करने के लिए और जो टूटा हुआ पार्ट है उसे कवर करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। बाउल का जो पहला पार्ट है उसके टूटे हुए पार्ट को कवर करने के लिए मैंने स्टोन से उसे डेकोरेट कर दिया है, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको कवर करने के लिए मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको भी स्टोन से डेकोरेट कर दी, लेकिन स्टोन मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसके टूटे हुए पार्ट को कवर करने के लिए मैं मोती का यूज़ कर रही हूँ, और यह मोती लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके पास भी स्टोन नहीं है तो आप मोती का ही यूज़ करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर जो कलरफुल स्टोन्स आते हैं उसकी हेल्प से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस बाउल का जो दूसरा टूटा हुआ पार्ट था उसको भी मैंने कवर कर लिया है, और आप देख सकते हैं मोती से कवर करने के बाद यह कितना अच्छा लगा है। इस पार्ट के साइड को डेकोरेट करने के लिए मैं ग्लोसी स्टोन का यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी दूर पर ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। तो कुछ इस तरह हमारा तीसरा DIY भी कम्प्लीट होता है, और आप वीडियो में देख सकते हैं इसको हम अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको एज अ कैंडल होल्डर की तरह यूज़ करूँगी। आपको यह तीसरा DIY कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम अपने चौथे DIY को बना लेते हैं। चौथे DIY में मैं इस टूटे हुए कप को डेकोरेट करूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं यह कप अलग अलग जगह से टूटा हुआ है, तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ, और मोल्डेड क्ले से ही हम इस टूटे हुए पार्ट को कवर करेंगे। इस कप को वाटरिंग कैन जैसा शेप दूंगी, तो उसके लिए मैं आगे शेप देने के लिए थ्रेड की खाली रील है उसका यूज़ कर रही हूँ, और एक बटन का यूज़ कर रही हूँ, और इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह हम स्टिक कर देंगे। और इसे स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक या फिर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड के रील के दूसरे साइड को हम प्रेस करेंगे, और ग्लू गन की हेल्प से हम इसे कप में स्टिक कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह मैं इसे कप पे स्टिक कर रही हूँ, और इसे स्टिक करने के बाद हम इसको क्ले से कवर करेंगे। तो मैं इसे कवर करने के लिए मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप मोल्डेड क्ले की जगह एम्सिल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस थ्रेड रील को ऐसे ही पेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। क्लेस पे लगाने से पहले हम फेविकॉल लगा लेंगे, तभी यह अच्छी तरह स्टिक होगा। इसलिए जब भी आप मोल्डेड क्ले कहीं भी स्टिक कर रहे हैं तो वहाँ आप फेविकॉल ज़रूर लगा लें, इससे यह बहुत ही स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगा। अब जो हमने क्ले लगाया है उसे स्मूथ करने के लिए मैं टेलकम पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप टेलकम पाउडर की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो वाटरिंग कैन होता है उसके ऊपर हल्का सा ऐसे उठा रहता है, तो इसे उठाने के लिए मैंने बीच में एक स्टोन रखा है, और उसके ऊपर क्ले लगा के मैंने टूल से बीच बीच में ऐसे होल जैसे डिज़ाइन बना दिए है। आप टूथपिक से भी इसे होल कर सकते हैं, और इसी तरह वाटरिंग कैन का बेस रेडी हो गया है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मोल्डेड क्ले का ही यूज़ कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, मैं इसे बहुत ही सिंपल डेकोरेट कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ कप में क्रैक्स हैं उसे मैं जितना हो सके उतना क्ले से कवर करके इस कप को डेकोरेट कर लूँगी। वाटरिंग कैन का मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए थ्रेड रील का यूज़ किया है। अगर आपके पास थ्रेड रील नहीं है तो आप कार्डबोर्ड को भी रोल करके
शेप दे सकते हैं और उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने पहले एक वीडियो में टूटे हुए कांच के ग्लास को यूज़ करके उसका DIY किया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ पर भी क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। वह वीडियो भी आप लोग ने बहुत पसंद किया था, तो जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है एक बार वह वीडियो ज़रूर देखें। अब मैं क्ले से एक क्यूट सा छोटा सा बर्ड बना रही हूँ। इस बर्ड को बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में आप स्टेप्स देख सकते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। और क्ले को स्मूथ करने के लिए मैंने टेलकम पाउडर का यूज़ किया है और बहुत ही ईजली यह बर्ड भी बन जाएगा। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप बर्ड वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप फ्लावर्स और लीफ भी बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। बर्ड की आइज बनाने के लिए पहले मैंने पेपर प्रेस से दोनों साइड हल्का सा गैप कर लिया है और उसके बाद छोटे छोटे क्ले की बॉल्स बना के उसको आइज जैसा शेप दे दिया है। और इसी तरह हमारा बर्ड भी रेडी हो गया है और इसको मैंने कप पे स्टिक कर लिया है। अब मैं क्ले से ही हल्के हल्के ट्री की ब्रांचेस बना रही हूँ और उस पर क्ले से लीफ और फ्लावर्स बना के डेकोरेट कर ले रही हूँ। और बस इसी तरह सिंपल आइडिया से मैंने इस कप को डेकोरेट कर लिया है और यह दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपनी तरह से इसे अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है और यह सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसे हम कलर कर लेंगे। कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक पेस्टल कलर का यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और इसे पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के बाद यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको मैं एज अ प्लांटर यूज़ करूँगी या फिर रेन होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। जहाँ पे मैंने पेंट लगाया है वहाँ मैं वार्निश अप्लाई कर लूँगी और वार्निश अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई कर लूँगी। तो इसी तरह हमारा चौथा DIY भी कम्प्लीट होता है और यह दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने टूटे हुए ग्लास के चीज़ों से सुंदर सा होम डेकोर आइटम बना लिया है। आपको चारों DIY में से कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।